भाई हद होगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तुम तो मौज ले रहे हो दोनों, कदी पार्टी कदी घूमना, ऐस काट रहे हो ऐस, और जो असली काम है वो हो नहीं रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं, जितना हो पा रहा है उतना किया जा रहा है। कोई नहीं जा रहा कहीं भी, और अगर जाओगे तो मैं भी गैल जाऊंगा। अरे पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, तुम दोनों तो जा ही रहे हो, मैं भी बुड्ढे से कह दूंगा कि मैं गांव में जा रहा हूँ, तुम स्टेशन पे मेरा इंतजार करियो, मैं वहां आ जाऊंगा। और हाँ वो पटबीज ने मेरा टिकट लेकर आ गया। इतने तुम मुझसे ढंग से नहीं बोल सकते क्या? तू है इस लायक? मतलब इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए सब चढ़ेंगे मुझ पर ही। बताऊं? अरे अरे लड़ना छोड़ो और चलने का प्रोग्राम बनाओ। चलो। ओए महेश, महेश प्लीज तुम ले लो प्लीज। चल दिए मेरे बच्चे, शुक्र है आप मान तो गए। बेटी ठीक से रहना और किसी अनजाने लोगों से ज्यादा बातें मत करना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी नमस्ते। ओए तू कहाँ जा रहा है? यही रुक। मैं गांव में जा रहा हूँ और यहाँ के एक रूआ। ए तू यही रह, घर का काम कौन देखेगा? ठेका लिया मैंने घर के कामों का, मैं नौकर हूँ इनका, थारा थोड़ी हूँ। बात मेरी इनकी या नौकर की ना है बेटा, घर में काम बहुत है और तुझे तो मालूम है मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है। अच्छा अगर मैं तुझे अपना बेटा बना के रखूंगा तब भी नहीं रुकेगा? असल बात यह है बेटा, हमारा नौकर अभी छुट्टी पर है। कोई अगर मगर नहीं, जब ये बेटा कहकर रोक रहे हैं तो रुक जा बेटा। हाँ जाओ जाओ तुम दोनों जाओ, महेश मेरे ही पास है, क्यों मुन्ना? ला महेश ये बैग मुझे दे दे। अच्छा पापा। अच्छा बेटा। अच्छा डैडी जी। अच्छा मम्मी जी। बाय दीदी। बाय जीजू। बाय 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 दीदी। बाय जीजू। बाय बेटा। बाय। बेटा कैसा सुस्त सा बैठा है, तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ जी ठीक है। मुझे पता है तेरा मन नहीं लग रहा है। अच्छा ये बता बेटा, गांव में तुम कौन कौन रहते हो, क्या करते हो? जी गांव में मैं और मेरे पिताजी रहे हैं, हम खेती बाड़ी करें। अच्छा थोड़ी ही जमीन होगी गांव में? नहीं नहीं जमीन तो जी 50-55 बीघे है, ट्रैक्टर भी है न्यू। तो तेरे तो बहुत जमीन है, इसका मतलब है कि तू भले परिवार का है, फिर ये नौकर का काम क्यों करता है? मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करता जी, कभी कभी काम कुछ पाने के लिए भी किया जाता है। तो क्या पाना चाहता है तू? पा तो लिया माँ जी, बस हासिल होने की कमी है, और थारा आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। क्या पा लिया जरा हमें भी तो पता चले। बस ये समझ लीजिए जी, यहाँ आया हूँ तो आप में अपनी माँ को पा लिया। पगले। महेश अरे तुम उल्टे आ गए, तेरे बिना जाकर करते क्या हम? अरे यार तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, हैं? मैं तो तुझे वैसे ही मान रहा था, पर तन्ने तो यार उल्टे आके इंसानियत दिखा दी। बता तुझे के दूं यार? बस 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 बस। के ही नाम दे दूं मैं? इसने तो संजना वाकई नाम का काम कर दिया। तुम लोग वापिस आ गए? कुछ सामान रह गया है क्या? नहीं जी वो हमारे 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 टिकट खो गए। हाँ हाँ टिकट खो गए हमारे। टिकट खो गए? हाँ हाँ टिकट खो गए। अरे पापा जी घर से बाहर निकलते ही अपशकुन शुरू हो गए, रास्ते में दो बार काली काली बिल्लियों ने रास्ता काट दिया
और पापा जी जिस टैक्सी में हम बैठकर जा रहे थे उसके सारे टायर पंचर हो गए। क्या है ना, बगैर मन के जा रहे थे इसलिए काम हुआ ही नहीं। बगैर मन के इन्हें क्या हो गया? आप बड़े ऑफिस जा रहे हैं बार बार, शायद पेट खराब हो गया। पर तुम दोनों वापस कैसे लौट आए? टिकट खो गए। टिकट? टिकट कैसे खो गए? और चलो खो भी गए थे तो वहाँ रिजर्वेशन काउंटर से दूसरे ले लेते। की फायदा, फिर खो जाते। फिर क्यों खो जाते? नहीं नहीं, वो बगैर मन के जा रहे थे ना, और जब बगैर मन के जाते हैं तो काम बिगड़ ही जाता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अभी आने की भी ना है। चलो संजना। नहीं नहीं, शादी होने के बावजूद हनीमून पर जाने का मन नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है?